करो। अब ये केवल हमने एक कारण से लिखा है, तुमको सारे रूल्स पता है ट्रांसफॉर्मेशन के, सारे रूल्स, बस ये तुम्हें परेशान कर सकता है, क्योंकि जरा सा भी कुछ अलग हटकर आ जाता है। और अगर यूं आ जाए ना तो तुम परेशान नहीं होगे, अगर ये आ जाए तो तुम एटलीस्ट को देखकर परेशान हो सकते हो। उषा किरण इज नॉट टॉलर देन एट, ये कार से आ गया एटलीस्ट, और क्या करें इसका, कुछ भी अलग नहीं है। देखो उषा किरण एक बिल्डिंग का नाम है, और अगला कह रहा है उषा किरण इज नॉट द टॉलेस्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग्स इन द सिटी। अगर ये सेंटेंस आता है और तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना पड़ रहा है तो नाउ यू नो द रूल, या नॉट आ रहा है सो नाउ यू नो कि ट्रांसफॉर्म करते वक्त नॉट हटा दोगे, वो सब तुम परेशान नहीं होगे। बट लुक एट दिस सेंटेंस, उषा किरण इज नॉट टॉलर देन एट लीस्ट अ फ्यू अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी। क्या कहना चाह रहा है, एंड इसको तुम ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, है ना? सो उषा किरण इज नॉट टॉलर देन एट लीस्ट अ फ्यू अदर बिल्डिंग्स, मतलब अ फ्यू अदर बिल्डिंग्स उतने लंबे हैं जितना कि उषा किरण, मीनिंग ये है, तो इसलिए तुमको बनाना पड़ेगा सम अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर एट लीस्ट एज टॉल एज उषा किरण। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, अगर ये हट जाता है तो यू नो द आंसर्स। जब इस तरीके से आ जाए ना, कुछ बीच में घुसा रहे, उसको हटाकर और सेंटेंस को देखो क्या है, सम अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर एज टॉल एज उषा किरण, एटलीस्ट क्वार्टर। अब तुम्हारे लिए इजी हो गया, ये एडिशनल जो बीच में लगाते हैं इनको लेके कंफ्यूज नहीं होना है, इनकी वजह से कोई रूल चेंज नहीं हो रहा, द रूल इज द सेम। उनको उड़ाकर और फिर तुम सेंटेंस को देखो कि क्या है, उषा किरण इज नॉट टॉलर देन अ फ्यू अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी। नाउ इट इज इजी फॉर यू, अब तुम कंफ्यूज नहीं हो, केवल ये एडिशनल वर्ड्स के मारे कंफ्यूजन होगा। इस तरीके का कुछ आए तो डोंट गेट कंफ्यूज, रूल कुछ भी नहीं बदलेगा, केवल उन दो तीन शब्दों को हटाकर और अब सेंटेंस को पढ़ो, तुम्हारे ओरिजिनल रूल में वो फिट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, नाउ यू कैन स्विच ऑफ द रिकॉर्डिंग। ये कर रखा है ना आपने, ये आ गया तुम्हारा टॉलेस्ट, है ना? फिर सम अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर एज टॉल एज, नॉट टॉलर देन, टॉलर आ गया कंपैरेटिव, एज टॉल एज पे पॉजिटिव डिग्री आ गया, ये तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री आ गया, ये यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। सेम सेंटेंस है जैसे तुम हमेशा ट्रांसफॉर्म करते हो, केवल ही एटलीस्ट अगर इस तरीके का कोई सेंटेंस पेपर में आता है तो तुम लोग एकदम से कि ये तो हमने किया नहीं, एटलीस्ट एटलीस्ट क्या होता है, उसको हटा दो तो जो पुराने सेंटेंसेस है वही है ये। अब क्लियर हो गया, इसको उतार लो और इसको ये एटलीस्ट एटलीस्ट देख लेना, एटलीस्ट के अलावा और कुछ आएगा भी नहीं, है ना? ये एक सेंटेंस था और ये रेनन मार्टिन में मिला था, इसलिए यू शुड नो दिस कि ये क्या है, बस ये लिख लिया, फिर हम लिटरेचर स्टार्ट करते हैं। चलो वी स्टार्ट लिटरेचर।